स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोस पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। होप सो आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरा, ठीक है, मेरा और आप सभी का ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोस पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज मैंने अपना स्वागत खुद ही कर दिया आपके साथ साथ, और आपका तो करता ही हूं हमेशा। जल्दी आओ सर, सर तो आ चुके हैं, सर टाइम पे आते हैं हमेशा 8 बजे। चलिए सेशन को शेयर करते हैं यार, और साथ के साथ दिमाग में रखना कि मैं अब 9:30 बजे एक बेहतरीन सेशन लेके आने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन जो है, ठीक है, लाइव टेस्ट तो होगा लेकिन 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट है, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली रेलवे के पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, दिमाग रखेगा, रेलवे के पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आज हम GK टारगेट करेंगे, फिर हम कल से उसमें साइंस को भी कंटेंट डालने लग जाएंगे। ठीक है, दिमाग रखे, शेयर करो यार एक बार सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री क्लासेस सुबह हो रही हैं आपके लिए अन अकेडमी पे, सुबह 10 से 12 फ्री क्लासेस हो रही हैं आप सभी के लिए अन अकेडमी पे, तो आप उन फ्री क्लासेस को जरूर देखिए। फ्री क्लासेस को देखने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, आपको क्या करना है, एक रेफर कोड यूज करना है। अब रेफर कोड है लाइव अमन। ठीक है, अगर आप मेरी फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक रेफर कोड चाहिए। रेफर कोड कौन सा है? लाइव अमन रेफर कोड है। ठीक है, साथ के साथ पेड कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, मैंने आपको बता रखा है 10 दिसंबर से कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी पे? आप मैनेज गोल पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज गोल पे SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC सिलेक्ट करो, रेलवे डिफेंस तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप मुझसे पढ़ सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करिए, मन सिलेक्ट करिए और रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन। आज की 9:30 बजे वाली क्लास जो है बच्चे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9:30 बजे मैं आपके लिए नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। साइंस का तो कंटेंट हमेशा ही नया रहता है, लेकिन 9:30 बजे का कंटेंट अब मैं क्या है नया रखने वाला हूँ, उसे जरूर देखिएगा 9:30 बजे क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। Which United Nation organization became the first to accept the donation in cryptocurrency? जल्दी से बताइए, cryptocurrency में donation accept करने वाली पहली जो क्या बोलते हैं United Nation organization का नाम बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ, स्पीड में आंसर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और यार शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, शेयर कर दो सेशन को सारे के सारे, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी शेयर कर दो सेशन को। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जल्दी से बताएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। शॉर्ट साइटेडनेस ह्यूमन आई में कौन सा डिफेक्ट है आपको पता ही है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, अब सवाल ये पूछा गया है इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, जल्दी से बताएगा इस तरीके के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर द विशेस, लेकिन ये बिलेटेड हो गया है, कल था आज नहीं है। ठीक है, आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बच्चे, कनकेव लेंस को यूज किया जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस जो है, ठीक है, जो मायोपिया होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस को यूज करते हैं, और अगर लॉन्ग साइटेडनेस की बात करी जाए, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस की बात करी जाए, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस की बात करी जाए तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। यार शेयर करना सेशन को सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या कहता है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंजाइम इन हूज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जल्दी से बताएगा। ये सिंपल सी बात है, अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है। और शेयर करना है सेशन को सारे के सारे, अब जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं वो मैंने अब स्टार्ट करा दी है, तो आप सभी के सभी जो है लाइव क्लासेस में ही आया करो, डायरेक्टली लाइव क्लासेस में आया करो। ठीक है, प्रीमियर देखने की अब जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बच्चे, इसमें जाइमेस, जाइमेस नाम का एंजाइम है, ये यूज होता है क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। कभी भी आप ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन देखना बड़ा आसान क्वेश्चन है। स्विमिंग पूल जो है ना, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल की डेप्थ जो मान लीजिए एक्चुअल डेप्थ इतनी है, तो हमें कितनी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, हमें ना स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है। रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपियर लेस डीपर इज एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइएगा
हमें जो स्विमिंग पूल है या कोई भी चीज है वो कम गहरी दिखाई देती है, उसका कारण क्या हो सकता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमें क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे करने हैं और 9:30 बजे वाले सेशन में अब आपको जुड़ना है। एक क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का, दिमाग में रखिएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होता, अपरिवर्तन की क्रिया होता। कुछ बच्चे स्कैटरिंग बता रहे थे, यार स्कैटरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है, और रिफ्लेक्शन का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है, कहने का मतलब है अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, डेविएट होती है, जिसकी वजह से हमें क्या है उसकी जो डीपनेस होती है वो कम दिखाई देती है, हमें कम गहरा दिखाई देता है। आंसर क्या है, अपरिवर्तन इसका क्या है कारण होगा। बताइए साइंटिफिक नेम किसका, सोरिया लेस्ट्राइडिस, ये जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, जल्दी से बताइए कौन से जानवर का, कौन से एनिमल का साइंटिफिक नेम है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, कौन से एनिमल का साइंटिफिक नेम है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, बड़ा देखो यार, जब फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आया तो भाई उसका कुछ नहीं कह सकता, डायरेक्टली आंसर देखो लिजर्ड का, ठीक है, ये क्या है साइंटिफिक, ठीक है साइंटिफिक नेम है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, अन अकेडमी पे कल सुबह 10 से 12 जो सेशन होगा, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन में से एक है, मेरा कंटेंट आज की क्लास से बिल्कुल बदल गया है, जो मैंने कराना था करा दिया पिछला, ठीक है, अब जो आज की क्लास है आज की क्लास से कंटेंट बिल्कुल बदल जाएगा, हर एक क्लास में, हर एक क्लास 1 दिसंबर से, मतलब दिसंबर की हर एक फ्री क्लास देखो, स्पेशल क्लासेस हर एक देखो दिसंबर की, ठीक है, और प्रोफाइल फॉलो करो अनअकैडमी पे अमनदीप और अमनदीप शर्मा, और रेफर कोड लाइव अमन यूज करके फ्री क्लासेस देख सकते हैं आप। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा प्लांट हॉर्मोन है जो कैम्बियम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है वुडन प्लांट्स में, जल्दी से बताइएगा, कैम्बियम एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है वुडन प्लांट में, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैम्बियम एक्टिविटी को इंक्रीज करता है कौन सा प्लांट हॉर्मोन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएगा, और शेयर करेगा सारे के सारे सेशन को, ठीक है, क्वेश्चंस आर न्यू, एवरी क्वेश्चन इज न्यू, जिब्रेलिन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताए इस क्वेश्चन का आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्फाइगलस, ठीक है, अगर आप प्लांट और एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ चुके हैं थ्योरी बेस पे तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप क्वेश्चन जान लो और इसकी फ्री क्लासेस जो है आप अन अकेडमी में जाके देख सकते हैं। अन अकेडमी जो है आपको अच्छा सोर्स देगा, स्पेशल क्लासेस में भी आपको बहुत कंटेंट मिलने वाला है, आपको बस ये रेफर कोड अनलॉक करने के लिए फ्री क्लासेस के लिए लगाना है लाइव अमन। एस्फाइगलस के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन से है, ठीक है, एंथ्रेडियम और एस्कोनियम, ठीक है, दिमाग रहे, एंथ्रेडियम और एस्कोनियम जो है ये दोनों क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, आई एडमिट 9:30 बजे वाली क्लास देखिएगा आज की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेनियन सेल आर यूनिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, आंसर क्या बच्चे इसका आंसर है एंजियोस्पर्म, इसका आंसर है कंपेनियन सेल जो होते हैं किसमें होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है, दो तरीके के हम इनकी बात करते हैं, पहला है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, दिमाग रखिएगा, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, और शेयर करो यार सेशन को सारे के सारे, शेयर करो सेशन को सारे के सारे, जल्दी से बताओ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कौन सी स्टेट में है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा, कौन सी स्टेट में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताएगा। ठीक है, आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का, कोलकाता इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट चेंजिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि मतलब कई बहुत बड़ी बुक में से, स्टैंडर्ड बुक में से लिखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पूरी रिएक्शन दे रखी है इसकी, कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज चेंज, ठीक है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर चेंज होता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आयरन नेल का आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, आयरन नेल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, 10th क्लास एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन चैप्टर, साइंस एनसीईआरटी से बाहर नहीं है मेरे दोस्तों, साइंस एनसीईआरटी से ही आएगी। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, बड़ा आसान क्वेश्चन, क्लोरोफिल से कौन से कंपोनेंट एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आसान है, ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर्स आर एब्जॉर्ब बाय, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ बच्चे कहेंगे सर
ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, क्लोरोफिल इज ग्रीन, क्लोरोफिल इज ग्रीन, भाई ऑप्शन में ग्रीन दे नहीं रखा, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, ब्लू और रेड होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ठीक है, पॉली एम्ब्रोइन, ठीक है, पॉली एम्ब्रोइन, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इसे बताया। मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ठीक है। अब पॉली एम्ब्रोइन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, कोकाया पेड़, ठीक है, कैप्सियम, ठीक है, दिमाग रखिएगा, सिट्रस या फिर कैकस, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा और शेयर करेगा सेशन को सारे के सारे, ए टू जेड बच्चे सेशन को शेयर करो। और 9:30 बजे वाली आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आज की क्लास से ही 100 क्वेश्चन चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, आज ही आपको पता चल जाएगा साइंस में, रेलवे में कितनी तैयारी है आपकी, ठीक है। आंसर क्या बच्चे इसका, सिट्रस इसका आंसर है। इन द स्टेम ऑफ प्लांट टेक प्लेस थ्रू, ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफेरॉल, ठीक है, लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके लिए टोकोफेरॉल के लिए हम कौन सा वाइटमिन, नाम कौन सा वाइटमिन है जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, जल्दी से बताए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है और मैंने बता रखा है ईएमटी वर्ड, क्या वर्ड बता रखा है, मैंने कह रखा है कि आप विटामिन का एक वर्ड याद कर सकते हो ईएमटी, ठीक है, विटामिन का एक वर्ड याद कर सकते हो ईएमटी, और आंसर क्या है, विटामिन ई इसका आंसर है, ईएमटी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बता रखे हैं मैंने, ऐसे मैंने विटामिन की पूरी ट्रिक बता रखी है, उसमें मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। मैं एक ब्लैक मैजिक शो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, सुबह 6 बजे उसको मैं प्रीवियर करूंगा, डेली का एक क्या बोलते हैं, अच्छा एक वीडियो आएगा ब्लैक मैजिक शो के नाम से, ठीक है, जिसमें अब उन लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, ऐसी ही ट्रिक को क्या है 10 या 15 मिनट की प्रीमियर करने वाले हैं, सारी चीजें याद हो जाएंगी 10-15 मिनट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अ फील्डर गिव अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, फील्डर पीछे करता है, ठीक है, क्या करने के लिए, इंपल्स को घटाने के लिए, इंपल्स जो है, ठीक है, इंपल्स को कम करने के लिए, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। दिनेश डियर थैंक यू वेरी मच बट इट इज बिलेटेड वन नाउ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताएं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कोई कि भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, यार कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, जब ऐसे बड़े साइज के क्वेश्चन आते हैं ना तो 100% आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, 100% 99% तो मैं मान के चलूंगा ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, इसका भी आंसर यही है, क्योंकि कंपेयर कर रहा है रेडियो टेलीस्कोप को ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेटर बताया जा रहा है, क्यों, ये फेंट गैलेक्सी को, ठीक है, खोज निकालता है, क्लाउडी कंडीशन में भी काम कर लेता है और इतना मेहनती है कि दिन और रात काम करता है, और बिल्कुल सही बात है, दिन और रात काम करता है, क्लाउडी कंडीशन में काम करता है, फेंट गैलेक्सी तक को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। चीट कोड कहता है बड़े साइज के क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ठीक है, और ये कोई रखता नहीं है, जब आपके पास टाइम कम हो, आप क्वेश्चन ना पढ़ पाए हो, ऑल ऑफ द अबव लगा आना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया को और क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएगा, और यार सेशन को शेयर करो सारे के सारे, ए टू जेड बच्चे सेशन को शेयर करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और अभी 9:30 बजे जरूर जुड़ना है, ठीक है, 9:30 बजे सभी को जुड़ना है आज की क्लास में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जड़त्व का नियम उसी से मिलता है। एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है, जल्दी से देखो, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, एंटीनो, देखो अब क्वेश्चन कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, आप इधर हेनरी बेक्यूल देख रहे हैं, हेनरी बेक्यूल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, दिमाग पर रखिए, हेनरी बेक्यूल के द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी का जो खोज की गई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन कुछ बच्चे कहेंगे सर मैडम क्यों होगा, भाई पहली बात तो फादर नहीं होता, ठीक है, वैसे फादर ही होता अगर चाहिए, इफ इट इज अ वुमन ऑल्सो फादर ही होता, लेकिन मैडम क्यूरी ने सिर्फ ये जो रेडियो एक्टिविटी है वर्ड दिया था, ठीक, खोज करी थी लेकिन वर्ड उनके द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए, हाँ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, रिएक्शन पूछा गया है 10th class NCERT, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर, ठीक है, प्लस वॉटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यार अब ये क्या है, दोनों चीजें क्या हुई है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि दोनों चीजें क्या हुई है, दोनों चीजों में कॉम्बिनेशन हुआ है, दोनों चीजें जोड़ी गई है तो कॉम्बिनेशन हुआ है, तो मैं सिंपल लिख दूं, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन
H2O के साथ मिलके क्या बनाता है, स्लेक लाइम बनाता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन में क्या नहीं चाहिए होता, आंसर क्या बच्चे सनलाइट, हमारे जर्मिनेशन में सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक और क्वेश्चन देखिए, एब्रोल एटलीस इज अ साइंटिफिक नेम, दोबारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आते हैं लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है एब्रोल एटलीस जो है किसका, ठीक है साइंटिफिक नेम है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन को सारे के सारे शेयर करना है A to Z बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं ये 8 बजे वाला सेशन, अब आपको जैसे मुझसे 8 बजे डेली पढ़ना हो तो आप क्या करें बच्चे, रात को 8 बजे यूट्यूब पे सर्च करें जीके विद अमन सर, अभी मैं 9:30 बजे भी एक सेशन लेके आऊंगा, वो स्पेशली सेशन क्या है लाइव टेस्ट के ऊपर है, लाइव टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का चैलेंज एक तरीके से, वो स्पेशल सेशन 9:30 बजे का हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 9:30 बजे आप जीके विद अमन सर यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आज से ही हमारा लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं जोड़ पाएंगे, ठीक है स्पार्टन उनकी इसका आंसर है। और सुबह 10 बजे वाली क्लास जो होती है फ्री क्लास, बर्ड यूजली हैव सिंगल वर्ड, वर्ड के अंदर सिंगल क्या होता है बच्चे, ओवरी होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, स्पैरो नहीं है इसका आंसर, तान्या सिंह इट्स नॉट स्पैरो, ठीक है आंसर क्या बच्चे, एपिडर्मिस से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है दिमाग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या एपिडर्मिस इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो यूरिन होता है हमारा उसका कलर येलो होता है और उसका कारण क्या है, ठीक है महत्वपूर्ण, ठीक है दिमाग को रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मेरी रात को 8 बजे आज क्लास स्टार्ट हुई है और अभी के बाद से जितनी भी क्लास होंगी पूरे दिसंबर में उसका पूरा कंटेंट नया होगा, और पूरा कंटेंट ऐसा कंटेंट होगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है, मेरी फ्री क्लासेस भी इनफ होंगी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने के लिए। 9:30 बजे वाली क्लास नई क्लास है, वो जरूर देखिए। 10 और 12 बजे सुबह अनअकैडमी के फ्री सेशन होने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, वो जरूर देखिएगा अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा सर्च करके, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आंसर क्या इसका, ठीक है यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से हमारा यूरिन जो होता है येलो कलर का होता है, ठीक है यूरिन जो होता है येलो कलर का होता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये नहीं करना छोड़ेंगे, विनेगर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें एसिटिक एसिड नहीं दे रखा है, ठीक है अब विनेगर लिखा हुआ है और एसिटिक एसिड नहीं दे रखा है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बचता है जो हमें पता है, ठीक है जो हमें पता है विनेगर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज वर्मिकल्चर, सस्ता सवाल इस क्वेश्चन का आंसर बताया क्या, इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज वर्मिकल्चर, देखो वर्मिकल्चर आसान है, आंसर क्या है साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म, ठीक है वॉर्म्स को रेस करने की जो साइंस होती है उसे हम कहते हैं वर्मिकल्चर, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर, ये सीरीज आज खत्म कर देंगे, ठीक है अब हम 9:30 बजे एक अच्छा नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9:30 बजे, ठीक है वो जरूर देखिएगा आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे सर्च करिएगा जीके विद अमन सर। कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है ऑब्वियसली यार विटामिन ए का रिच सोर्स है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है, ठीक है जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जैसे नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है दिमाग में रखिएगा। सर 15 दिसंबर को एनटीपीसी का एग्जाम होगा, इट्स नॉट श्योर राइट नाउ, बस तैयारी करते रहो, लेकिन क्योंकि एग्जाम अब आने ही वाले हैं, ठीक है एग्जाम ऑन द ही, ठीक है पीक पॉइंट पे है इस समय एग्जाम हो रहे हैं तो जरूर पढ़ो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कंस्टेंट ऑफ यूरिन, एबनॉर्मल कंस्टेंट का मतलब कि यूरिन में बेसिकली नहीं होता है, ठीक है बेसिकली नहीं होता, आमतौर पर नहीं होता, ये कंपोनेंट कौन सा है बताइए, कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर हमारे यूरिन में नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे इसका, कीटोन बॉडीज नहीं होती, क्रेटोनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सब कॉमनली होता है लेकिन ये कॉमनली नहीं होता, ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, 20 का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी अगर मैं पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करूं, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करूं तो बच्चे मून पे ये टाइम पीरियड इंक्रीज होता है,
या डिक्रीज होता है या सेम रहेगा? जल्दी से बताएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, मून पे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? जल्दी से बताएगा यार, शेयर करना सेशन को सारे के सारे, 9:30 बजे वाले सेशन को भी शेयर कर देना सारे के सारे आज। हमेशा मून पे टाइम पीरियड पेंडुलम का इंक्रीज होता है, याद रखिएगा पहली चीज ये। ठीक है, पहली पीच ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड इन बीटा डीके प्रोसेस? आसान क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब एक पूरा जो हमारा एटम है उसके न्यूक्लियस में अगर बीटा डीके हो रहा है, उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में अगर बीटा डीके हो रहा है तो क्या इसमें से एमिट होगा, क्या इसमें से एमिट होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएगा क्या इसमें से एमिट होगा। जल्दी से कमेंट करेगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सरल सवाल है। ठीक है, आंसर क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है दोनों के दोनों एमिट होते हैं। गलती क्या होती है इसमें? इलेक्ट्रॉन पता है हमें, ठीक है इलेक्ट्रॉन है हमें पता है, लेकिन यार पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन था ये, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। दिमाग में रखो, जो आप अपना मतलब जो भी 1 दिसंबर से लेके, मैं 1 दिसंबर नहीं कहूंगा, मैं तो अभी आज से कहूंगा, रात को 8 बजे से 9:30 बजे का सेशन आपके लिए नया है पूरा का पूरा। उस 9:30 बजे वाले सेशन के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जीके विद अमन सर आज रात को ही। ठीक है, कल सुबह 10 से 12 क्लास होगी, ये 3-4 क्लासेस हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दो, बहुत बेनिफिट होगा। कंटिन्यूटी बनाए रखो, मैं 1 महीने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा ऐसे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आईटी टेक्निक जो है कौन सी है जिसमें बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है? बताइएगा कौन सी आईटी टेक्निक को बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या बच्चे? मेमोरी इंटरलीविंग इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1 kilobit hour इज इक्वल टू, सबसे आसान क्वेश्चन पूरी क्लास का, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। और एक चीज याद रखो, जो भी बच्चा इस क्लास में आता है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको नया कंटेंट तो दूं, लेकिन साथ के साथ उसको प्रैक्टिस कराने के लिए एक क्विज जरूर करवाऊं। वो क्विज मैं अभी पूरे क्वेश्चन होते ही स्क्रीन पे क्विज का कोड दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस क्विज को अन अकेडमी पे जाके करना है, अटेम्प्ट करेगा सारे के सारे क्विज को। आंसर क्या है? 1 kilobit hour 3.6 megajoule के इक्वल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये नहीं करते, छोड़ते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? What are the basic units from which human spare parts can be created? ये आगे जाके एक बहुत बड़ा साइंस का टॉपिक बन सकता है और दुनिया आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा इसमें मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि किसी भी शरीर के भाग को बनाने के लिए बेसिक क्या है, किससे बनता है हमारे शरीर के भाग? स्टेम सेल से। एक जो शिशु पैदा होता है ना, वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, हमारे शरीर की बॉडी बनती है, वो स्टेम सेल से ही बनती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल कोशिका होती है स्टेम सेल। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं। बड़ा सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, और ये कोवेलेंट कंपाउंड भी है। ठीक है, सह संयोजक यौगिक भी है, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग करता है, दूसरा बच्चे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस स्टेट में, और आंसर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड इसका आंसर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड ऑल्सो जो शेयरिंग से बनता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, शेयर करना सारे के सारे सेशन को। पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो ध्वनि की जो तीव्रता है, ठीक है ध्वनि की जो तीव्रता है इसकी मोल इकाई कौन सी है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आज सारे आंसर गलत हो रहे हैं दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जैसे 8 बजे वाली क्लास में आपके आंसर गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपके पास होगी। ठीक है, अभी 9:30 बजे आना और आंसर गलत होंगे। ठीक है, इस 8 बजे की क्लास का क्यूज करवाऊंगा उसमें और आंसर गलत होंगे। आंसर गलत होने से इधर कोई दिक्कत नहीं है, पेपर भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वॉट पर स्क्वायर मीटर का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इन चारों में से अनसेचुरेटेड कौन सा है? अनसेचुरेटेड कहने का मतलब या तो डबल बोन्ड है या तो ट्रिपल बोन्ड है। ठीक है, सिंगल बोन्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज सेचुरेटेड। ठीक है, अनसेचुरेटेड कौन सा है जिसमें या तो डबल बोन्ड है या तो सिंगल बोन्ड है? जल्दी से बताएगा।
सोल्व करो इस क्वेश्चन को, जब हम 60 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम एक क्विज करेंगे और 9:30 बजे फिर अपना सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा रेलवे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, 100 क्वेश्चन चैलेंज रोज करो, ठीक है। लाइव टेस्ट पूरी स्पीड में करेंगे, लाइव टेस्ट। आंसर क्या इसका? बेंजीन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, छोड़ेंगे क्वेश्चन, करा हुआ पहले भी। कभी भी मुझसे जुड़ना है तो आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है रात को 8 बजे और 9:30 बजे जीके विद अमन सर, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव क्लास के लिए रात को 8 बजे और अभी 9:30 बजे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर द फूड, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रकाश का उपयोग करते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म है? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा। और मेरा क्विज जरूर अटेम्प्ट करेगा इन्हीं क्वेश्चन के बाद, ऑटोट्रॉफ, ठीक है, टाइटल ऑटोट्रॉफ प्लांट्स यूज लाइट, ठीक है, जो पेड़ है, ठीक है, वो क्या यूज करता है, ठीक है, लाइट ऑब्वियसली, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इंडिया, बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, पहला भारत में सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत का पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? बच्चे ये आंसर बहुत आसान है, डॉक्टर वेणुगोपाल राव के द्वारा, ये एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है, एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने क्या है सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया। चलिए ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर दे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है दोस्त, आंसर बताओ, प्लांट वाटर रिलेशन में ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्लांट वाटर रिलेशन में ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बच्चे जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर का पोटेंशियल कितना है, वाटर के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दिमाग करके, वाटर के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, अर्थ है, पूरा अर्थ में दो जगह का कंपैरिजन होता है, पोल या इक्वेटर पूछा गया है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता पोल पे ज्यादा होगी या इक्वेटर पे ज्यादा होगी? जल्दी से बताएगा, या तो पोल पे ज्यादा है या तो इक्वेटर पे ज्यादा है, जल्दी से बताइए किस पे ज्यादा है, ठीक है, इंटेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 47 का आंसर क्या होगा, किस पे इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली है? क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? पोल पे हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, 47 क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम दैट कैन डू व्हाट? जल्दी से बताएगा, हमारे 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्विज का कोड देने वाला हूं, हर एक बच्चे को क्विज देना है, चाहे वो नया हो या पुराना, अन अकेडमी पे जाओ, ठीक है, अन अकेडमी पे जाने के बाद क्विज ज्वाइन किस पे जाके, मैं जो कोड दूंगा उसको लगाइएगा और क्विज जरूर दीजिएगा, उसके बाद 9:30 बजे वाले सेशन में आज से ही जुड़ जाओ, क्योंकि 9:30 का सेशन नया है, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या बच्चे? कट डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसको क्या है, कट करता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये है हमारी आज रात को 9:30 बजे डेली लाइव टेस्ट, 9:30 बजे होने वाला है आज रात से। रेलवे के जीएस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा, अगर आप 100 क्वेश्चन के एवरेज लेके चलो तो 100 के 100 क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, क्या करना है आपको, रात को आज ही 9:30 बजे जीके विद अमन सर सर्च करना है और उसमें जुड़ना है, ठीक है। वॉटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ाइलम, अगर आपको इधर वॉटर की जगह फूड दिया होता ना, वॉटर की जगह इधर फूड दिया होता तो आंसर क्या हो जाता, फ्लोएम इसका आंसर हो जाता, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, फ्लोएम इसका आंसर हो जाता, ठीक है, अभी वॉटर है तो भाई ज़ाइलम इसका आंसर है, ठीक है, वॉटर है तो ज़ाइलम इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर बताएं क्या, इस क्वेश्चन आंसर जल्दी से बताएगा।
गैस यूज एज अ माइल्ड एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल, पता है कौन सी गैस एज अ माइल्ड एनेस्थेटिक यूज की जाती है हॉस्पिटल्स में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आपको किसका कोड दूंगा, पहले क्वेश्चन कर लो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पूरे कर लो, किसका कोड आपको अभी देता हूं, ठीक है क्यूज मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर क्यूज करेंगे, उसके बाद 9:30 बजे आएंगे और आना जरूर है 9:30 बजे, ठीक है आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड एज एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया, संवेदन हारी जिससे हमें बेहोशी हो जाती है ना, ठीक है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु का नाम बताएं, ठीक है आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का, एल्यूमिनियम इसका आंसर है, एल्यूमिनियम इसका आंसर है, सरल सवाल है तो यार इसको तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी प्लांट डिसीज है जिसमें क्लोरोफिल जो है ना लीव का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और मैं लिटरली बताऊं क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने का मतलब पेड़ खत्म है, ठीक है सिंपल सी बात है, पेड़ खत्म है, जैसे इंसान का जमीन वैसे ही क्लोरोफिल, ठीक है दिमाग में, जैसे इंसान खत्म जमीन खत्म हो गया, ठीक है लीव गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव गेट श्रिंक, बताइए कौन सी डिसीज में ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 8 क्वेश्चन के बाद अपना क्यूज का कोड आपको मैं देता हूं, एक क्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे अनअकैडमी में जाके बेहतरीन तरीके से, ठीक है। डियर प्रकाश चंद्र जीना आपके लिए 100 क्वेश्चन 9:30 बजे आने वाले हैं, ठीक है आंसर क्या, मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला स्थिर उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, फिर क्वेश्चन 53 का आंसर क्या बच्चे, आंसर क्या ठीक है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका आंसर है, एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त नए क्वेश्चन आपको सीखने हैं, जब तक नया नहीं सीखोगे ना मैं इस महीने आपको नया कंटेंट दूंगा सारा ए टू जेड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस महीने जो नया सीखो ना वो आपके एग्जाम में मिल जाए, ठीक है आपके लिए फ्रेश हो सब कुछ, वही चीज मैं आपके लिए करने वाला हूं इस महीने, मेरी हर एक फ्री क्लास देखो यूट्यूब की और अनअकैडमी की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है फ्री है, बस आपको अनअकैडमी पे जाके मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है, फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी, और अभी जो मैं क्विज दूंगा वो दीजिएगा। बंची डोबो बनाना प्लांट डिसीज़ कॉज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस से, एक और क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन और देखते हैं, रेसिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा आसान क्वेश्चन है, टेक कॉन्सफीरस ठीक है कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं उसका प्रोडक्ट है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, रेसिन इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, कॉनिफेरस ट्रीज का प्रोडक्ट है रेसिन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तारे टिमटिमाते हैं हम सब जानते हैं दोस्त, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है आंसर क्या है, किस वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है वायुमंडल में अपरिवर्तन होने की वजह से, ठीक है। लास्ट के 4 क्वेश्चन देख लो प्रकाश शर्मा, ये जो आप 4 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, ठीक है मैं पहले कहता था भाई जिस बच्चे को जाना है ठीक है वो अपनी तसल्ली से जा सकता है, इस समय मैं कहूंगा 1 दिसंबर और पूरा ये जो दिसंबर है ना इस समय आप पढ़ाई करो, ठीक है यही समय पढ़ाई करने का, नए वर्ष में लोगों की खुशी होगी कि भाई लोगों को खुशी किस चीज की होगी, नया साल आया, नया साल आपके पास खुशी होनी चाहिए, हमें सब कुछ आता है, हमारे लिए एग्जाम आया, ठीक है तो एग्जाम की तैयारी करो तसल्ली से पूरे महीने, ठीक है कोई फेस्टिवल नहीं है इस महीने, कुछ भी नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर वेलोसिटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, देखो आसान है, आपने पहले कभी पढ़ा हो, 4 चैंबर होते हैं हमारे हार्ट के, 4 चैंबर होते हैं, सवाल पूछा गया है कि हमारे हार्ट की जो 4 चैंबर है इसमें से नेचुरल पेस मेकर जो कि सैनोड होता है, जो लबडब की साउंड आती है, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है, सैनोड जो होता है नेचुरल पेस मेकर, ये नेचुरल पेस मेकर कौन से चैंबर में है, जल्दी से बताइए कौन से चैंबर में होता है, जल्दी से बताइए, मुश्किल क्वेश्चन मान लो लेकिन मेरे हिसाब से आसान है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। आंसर क्या बच्चे, राइट ऑरेकल में होता है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है राइट ऑरेकल में हमारा सैनोड होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लास्ट के 2 सवाल उसके बाद मैं आपको क्विज का कोड दूंगा, दोस्त क्विज जरूर देना, अगर कंपटीशन देखना चाहते हो तो क्विज करके देखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, हाउ कैन वी मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यार ये क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि ना इसमें दे ही नहीं रखा कुछ, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है, ये करेंगे अभी 9:30 बजे, 9:30 बजे आज रात को आपको क्या करना है, जीके विद अमन सर सर्च करना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का, कैरिका पपाया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद मैं आपको कोड देने वाला हूं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे पपाया। चलिए करते हैं हमने किसको स्टार्ट, 305978 आज का कोड क्या है, 305978। मैं हर एक स्टूडेंट को एडवाइस दूंगा, ठीक है, इट इज जस्ट एन एडवाइस कि अपना जो एक रियल फेस देखना चाहते हो ना कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, ये आप रियल फेस इस 50 क्वेश्चन से देख सकते हो, ये जो मैं आपको क्विज करा रहा हूं, ठीक है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो इसको, ठीक है, आप बस अनअकैडमी ऐप ओपन करो, ये मैं लाइव करा रहा हूं अभी, ठीक है, और डेली कराऊंगा, ठीक है। आप अनअकैडमी ऐप ओपन करो, अनअकैडमी ऐप ओपन करके उसमें ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा, उस ज्वाइन क्विज के ऑप्शन में ये, ठीक है, कोड लगा दो और साथ के साथ अमनदीप शर्मा सर्च करके फॉलो कर लेना, ठीक है, मेरा प्रोफाइल है अमनदीप शर्मा सर्च करके फॉलो कर लेना। आपको ये ज्वाइन क्विज का ऑप्शन कैसे मिलेगा, ये कोड तो आप लिख लो, ठीक है, मैं स्टार्ट करा रहा हूं क्विज को। आपको ये ज्वाइन क्विज का ऑप्शन कैसे मिलेगा, अनअकैडमी ऐप ओपन करके मेन टैब पे जाओ, मेन टैब पे जाके प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे ना तो आपको टेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, टेस्ट का ऑप्शन आता है स्क्रीन पे, ऐसी स्क्रीन ब्लिंक ऊपर हो जाएगी, टेस्ट का ऑप्शन आएगा, टेस्ट पे ज्वाइन क्विज पे क्लिक करिए और ये कोड लगेगा 305978 और साथ के साथ, ठीक है, मेरा प्रोफाइल है अमनदीप शर्मा, प्रोफाइल अनअकैडमी पर सर्च करो, फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको 10 से 12 कल सुबह अनअकैडमी पे फ्री क्लास दूंगा, जिसके लिए आपको एक रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है, तो कोड आप सभी के सामने नहीं, ठीक। चलिए करते हैं हमने सेशन को एंड, बाकी मेरे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है, पेड कोर्सेज मैंने आपके क्या है 5 और 10 दिसंबर के बीच में रखे हैं कि मैं 5 और 10 दिसंबर से आपके लिए पेड कोर्सेज लाने वाला हूं, रेलवे और डिफेंस और एसएससी में, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। उसके लिए भी आप प्रोफाइल फॉलो करके मेरे पेड कोर्सेज देखिए, उसके लिए भी रेफर कोड लाइव अमन ही रहेगा, ठीक है, लाइव अमन ही रहेगा, ठीक है। आप क्या करें, मैनेज गोल पे जाए पेड कोर्सेज के लिए, मैनेज गोल पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना, मैनेज गोल पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन तभी आएगा जब आप क्या है तसल्ली से सही तरीके से मैनेज गोल क्लिक कर लेना यार, कि एसएससी के रेलवे में कर लो और फिर टॉप कोर्स ले लिया, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद मंथ सिलेक्ट करो, फिर रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, ठीक है, फिर रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ए टू जेड बच्चे, और रेफर कोड लाइव अमन से डिस्काउंट आपका 10% होगा, मंथ ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करना, कोर्सेज आपके रेलवे डिफेंस एसएससी में अवेलेबल है सभी के लिए। अभी मिलते हैं कितने बजे, 9:30 बजे, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है 9:30 बजे आप क्या करो, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और वो डेली होगा, आज ही पता चल जाएगा कौन कितना पानी में, ठीक है। 9:30 बजे यूट्यूब पर सर्च करेगा जीके विद अमन सर, ठीक है, जीके विद अमन सर यूट्यूब पर सर्च करेगा, जिससे आपको मेरा सेशन मिल जाए। सेशन को अभी एंड करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं, मिलते हैं 9:30 बजे, क्यूज सारे अटेंड कर लो, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए सेशन में, धन्यवाद सभी को, सेशन को भी एंड करते हैं, मिलते हैं 9:30 बजे, 9:30 बजे सर्च करें जीके विद अमन सर और अन अकेडमी पे सर्च करें अमनदीप शर्मा, प्रोफाइल को फॉलो करो सारे के सारे, मिलते हैं 9:30 बजे।